मैंने कोई गलती की ही नहीं, आप मुझे बोलने तो दीजिए। ठीक है, लेकिन झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं सच ही कहूंगा। बोलो। लेकिन यहां सबके सामने नहीं, अकेले में। आप मेरे साथ बाहर चलिए। आइए तो सही, आइए मेरे साथ, आइए इधर आइए, मैं समझाता हूँ। तो संपूर्णा के हाथ पर चोट तुम्हारी वजह से नहीं है क्या? है। ये तेरी गृहस्थी में आग लगा कर ही रहेगी, पर तुझे तो अकल है ना, बता ना क्या हुआ? दहेज की वजह से मारा या कोई और बात थी? नहीं मारा है माँ। आपको क्या हो गया दीदी, आप ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने खुद देखा जब आए बाबू को आपको चोट पहुंचाते हुए। तो चुप नहीं होगी? पर जो आप समझ रहे हो बात वो नहीं है। तो शौक से चोट पहुंचाओगे तुम? नहीं। हा? अपने प्यार की वजह से। माँ। हाँ। उन्होंने हाथ पकड़ा था। ये बात है, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। और ये जन्म जली, ये तो नमक मिर्च लगा के बोलती है ना। हाथ पकड़ा था मगर प्यार से। प्यार से भी तो चोट पहुंच सकती है। मैंने संपूर्णा का हाथ जरूर पकड़ा था, लेकिन वो कैसे बताऊं? क्या वो क्या सौरभ, वो विवाह के बाद पति पत्नी रोमांस कर रहे थे। ये पति बाबू और जमाई बाबू क्या बात कर रहे हैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, और डांटने के बजाय हंस क्यों रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्या आप भी दीदी को प्यार से चोट लगी है, जमाई बाबू दंड मिलने पे हंस रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्यार कर रहे थे या चोरी, पहले बताना चाहिए था ना यार, प्यार व्यार। आओ गले मिलो। गले नहीं मिलोगे अब? माफ कर दे यार। चलो खाना खाते हैं। माफ कीजिएगा, गलत समझ बैठा मैं। सौरभ ने संपूर्णा को चोट नहीं पहुंचाई है, गलती से तुम पर ज्यादा गुस्सा कर बैठा, सॉरी सौरभ। माफी मांगकर शर्मिंदा मत कीजिए छोटे मान। अनिरुद्ध बाबू, कहा ना तुमसे, सिर्फ अनिरुद्ध काफी है सौरभ। पति बाबू, आप भी आ गए इनके बातों में। माँ कहती है कि गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है। बोंदिता, इन्होंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने खुद देखा था दीदी का हाथ मरोड़ते हुए ऐसे। ये गलत है या फिर सही, बताइए। गलत है तेरा हर समय चबर-चबर जबान चलाना। अब सिखाती हूँ तुझे कैसे चुप रहना है। तुझे सिखा कर ही भेजूंगी। अरे आप बोंदिता को मार क्यों रही हैं? उसने कुछ गलत कहा नहीं, सिर्फ गलत समझा है। मैं उसे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मारने से समझेगी? मारकर आप उसके प्रश्नों पर रोक लगाना चाहती हूँ? क्यों? उसकी तर्क ही तो उसकी ताकत है, नई बात जानने की, नई बात समझने की। बोंदिता तो छोटी है, पर आप तो बड़ी है ना, फिर भी नहीं समझती? इस उम्र में मन में कितनी जिज्ञासा होगी नई बात जानने की, और अगर हम इन प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे तो वो गलत नहीं समझेगी। तो गलती किसकी हुई, उनकी या हमारी? हम उनके सवालों के जवाब नहीं देंगे और बस उन्हें मारकर चुप कर देंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ही उनके सोच को बढ़ने से रोक रहे हैं। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो मेरी नज़र में वो गलत नहीं, हम गलत हैं। बोंदिता चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। पहेली बूझोगी? एक और पहेली? संपूर्णा दीदी को चोट पहुंचाने पे भी डांटा नहीं आपने जमाई बाबू को, ये भी पहेली नहीं क्या मेरे लिए? इस पहेली से तुम्हें उस पहेली का भी जवाब मिल जाएगा। शक्ति? शक्ति। तो बताओ कौन है वो जो है रंग बिरंगी सी,
उड़ती है आसमान में, बैठती है फूलों पर। तितली। वाह, पर ये तो आसान थी। तितली ने थोड़ी ना चोट पहुँचाई है जो माए बाबू ने पहुँचाई है। पहेली अभी पूरी कहाँ हुई? अच्छा तो ये बताओ, जब हम तितली को पकड़ने जाते हैं तो क्या होता है? वो उड़ जाती है। और क्यों उड़ जाती है? क्योंकि अच्छा नहीं लगता उसे कि कोई उसे छुए। इतना भी नहीं जानते? अभी जान गया। पर जब तुम अपने बछड़े को गले लगाती हो तो वो क्या करता है? भागता है, मारता है सींग। सींग क्यों मारेगा? वैसे बहुत प्यार करती हूँ तो ये भी मुझे बहुत प्यार करता है। मैं हाथ फेरती हूँ तो ये भी मुझे प्यार से चाटता है। अच्छा ये बताओ, हाथ क्यों फेरती हो प्यार से? क्योंकि बछड़ा है मेरा। अब पानी भी पिलाती हूँ। प्यार करते हैं हम एक दूसरे से। तो इसका मतलब जहाँ प्यार होता है वहाँ लाड़ होता है। तो आप जिनसे प्यार करते हैं वो आपको छू सकते हैं, आपके पास आ सकते हैं। हाँ, अब आप समझे। हाँ थोड़ा बुद्धू हूँ ना, क्या करूँ। पर तुमने समझाया तो समझ गए। तो जब हम तितली को हाथ लगाते हैं वो उड़ जाती है, मतलब आप किसी को उसके पसंद के बिना छुए तो वो छूना हुआ, वो छूना हुआ बुरा। हाँ, और जब तुम अपने बछड़े को गले लगाती हो, उसे प्यार करती हो और वो फिर भी नहीं भागता, सींग नहीं मारता, तो उसका छूना हुआ, वो छूना हुआ अच्छा। हाँ। ये काली माँ कैसी कैसी बातें बता रहा है, अभी धरती फट जाए और मैं अंदर समा जाऊं। एकदम सही समझाया तुमने मुझे। मतलब जब किसी इंसान के छूने पे बुरा ना लगे, परेशानी ना हो, अजीब ना लगे, उल्टा लाड़ लगे, प्यार लगे, उस इंसान से अपनापन लगे, तो उसका छूना हुआ अच्छा। और वही जब किसी के छूने पर अजीब लगे, बुरा लगे, मन में घृणा हो, उस इंसान से दूर जाने का मन करे, तो उसका छूना हुआ बुरा। समझी? तो अब बताओ, जब तुमने अपने जमाई बाबू को संपूर्णा दीदी के हाथ मरोड़ते देखा तो दीदी के चेहरे पे क्या था, प्यार या गुस्सा? बस कीजिए, मैंने कहा बंद कीजिए इस बेशर्मी की पाठशाला को। हमारी बच्चियों से ये सब छूनी छुआनी वाली बेशर्मी की बातें आपकी विलायत में शोभा देती होगी, यहाँ नहीं। छी 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 छी। आपसे विनती है कि हमारे बच्चियों को दूर रखिए इस पाप से। पाप है ये? लड़कियों को तो ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसमें शर्म की क्या बात? क्या आप चाहते हैं कि बोनिता गलत समझकर कल दोबारा ये सवाल पूछे? अगर नहीं तो मेरी भी विनती है आपसे, आप बीच में ना आए, मुझे मेरा काम करने दीजिए। तो बोनिता बताओ, संपूर्णा दीदी के चेहरे पे क्या था, प्यार या गुस्सा? प्यार, और मुस्कुरा भी रही थी। तो इसका मतलब? तो इसका मतलब मेरे बछड़े को छूना और जमाई बाबू का संपूर्णा दीदी का छूना एक हुआ। दीदी भी तो प्यार करती होगी ना जमाई बाबू से, इसलिए उन्होंने शिकायत नहीं की, क्योंकि उनका छूना सही छूना था। एकदम सही समझी। अब निश्चिंत हूँ मैं, मेरी बोंदिता के हर प्रश्न का जवाब देने वाला मिल गया। ये उसके तर्क पे हाथ नहीं उठाएगा, बल्कि तर्क से समझाएगा उसे। Thank you.
खेलोगे पति बाबू? नहीं नहीं तुम खेलो। खेलना नहीं आता तो मैं सिखा दूंगी। नहीं नहीं मेरा मन किताब पढ़ने का ही है। तो कैसे भागेंगे? ऐसे भागेंगे, अपनी जेब में डाल कर रखिए इसे, मच्छर पास नहीं आएंगे। माँ का नुस्खा है, काम न किया तो नाम बदल देना। मच्छर बर्दाश्त कर सकता हूँ पर इन लहसुनों की खुशबू नहीं। कुछ देर और सुनता तो बेहोश हो जाता। माफ कीजिएगा जमाई बाबू, आपको सोने में इतनी तकलीफ हो रही है, इस गांव में आपके लायक इंतजाम करे भी तो कैसे? नाना चिंता ना कीजिए, देर सवेर नींद खा ही जाएगी, और वैसे भी आज रात की तो बात है, सुबह लौट कर जाना ही है। शुभ रात्रि। कैसी लगी? सुंदर। मिनी मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि सिर्फ उस बच्ची की जिंदगी बचाने के लिए मैंने उससे विवाह किया था। जानती हूँ, वरना सुंदरता में है क्या कोई मेरे जैसा जो तुम्हारी नजर चाहे किसी और को? हमारे बीच विवाह वाला कोई संबंध नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदारी है वो बच्ची मेरी। मिनी माफ करोगे अपनी मिनी को अनिरुद्ध? बहुत सताया ना मैंने तुम्हें, पागल हूं मैं सच्ची। कैसे नहीं समझी कि मेरे सिवा कोई वश में कर सकता है क्या मेरे प्यार को? ठीक है ठीक है ठीक है, पता नहीं था हमें कि तुम भी अनिरुद्ध की भाषा बोलने लगी। कम से कम तुम्हें तो समझदार मानने लगा था मैं, लगा तो दिल की नहीं अपने दिमाग की सुनती हो, सच में जीती हो किसी भ्रम में नहीं। कहना क्या चाहते हैं आप, समझाएंगे? समझाऊंगा अगर समझना चाहोगी तो। बंदिता बंदिता ये तो क्या कर रही है मेरी बच्ची? तेरे लिए राजमहल बना रही हूँ। राजमहल? मेरे पति की बाड़ी राजमहल से कम है क्या? वहीं ले जाने के लिए गठरी बांध रही है तेरे लिए। पति बाबू ने कहा है सुबह सुबह निकल जाएंगे हम। बंदिता अगर मैं तुझसे कहूँ कि मैं तेरे साथ नहीं जा सकती तो गठरी में बांध कर ले जाऊंगी। भूल गई अपना वादा? पति बाबू भी क्या अपना वादा तोड़ेंगे? कह दिया उन्होंने भी, मोटर गाड़ी में बैठकर हम दोनों साथ में जाएंगे।
अनिरुद्ध हमारी बहू को यहाँ लेकर आए और आपसे साथ चलने को कहे तो आप सीधा इनकार कर दीजिएगा। अपनी बेटी को कैसे समझाना है वो हमें बताने की जरूरत है? अनिरुद्ध बार बार कह रहा है कि वो लड़की उसकी पत्नी नहीं, सिर्फ एक बच्ची है जिसकी जिम्मेदारी ली है। वो सिर्फ कहता नहीं, मानता भी है। मानता है, पर कब तक मानेगा वो? आज बच्ची है वो, पर 6-7 साल के बाद तब भी बच्ची रहेगी क्या? नहीं, उसकी उम्र उतनी होगी जितनी आज तुम्हारी है मैंने। तब भी क्या उन दोनों के बीच का रिश्ता जिम्मेदारी का रहे? पर अनिरुद्ध मुझसे प्यार करता है। यस, करता है वो तुमसे प्यार, और कोई मना नहीं कर सकता इस बात पर। पर समाज के लिए प्यार बड़ा है कि शादी? कैसे भूल सकती हो तुम मिनी? वो बच्ची बोंदिता ही अनिरुद्ध की पत्नी कहलाई जाएगी समाज के सामने। तब अनिरुद्ध के साथ कैसा होगा तुम्हारा रिश्ता? में क्या समाज समझ सकेगा तुम्हारे प्यार को? समाज को छोड़ो, तुम्हारे बाबा समझ सकेंगे तुम्हारे प्यार को? मैंने दिल से सोचना है तो सोचती रहो, त्याग करना है करो, पर उससे अनिरुद्ध कभी हासिल होगा तुम्हें? नहीं, मैं क्यों करूं त्याग? मुझे मेरा अनिरुद्ध चाहिए, और उसे कैसे हासिल करना है ये भी अच्छे से जानती हूं। आने दो अनिरुद्ध को, अब खुद देखना नहीं सौदामिनी को, जो बहुत अच्छे से जानती है कैसे छीनना है अपनी प्यार को। बहुत परेशान कर रहे हैं ये रॉय चौधरी खानदान का खून है, इन्हें तुम जैसे मामूली मच्छर पी सकते हैं क्या? अब युद्ध तय हो ही गया है तो आज तुम सबका खून करके रहूंगा। आओ आओ। तेरा भी खून करूंगा। जमाई बाबू, ये पौधा पास रखने से मच्छर नहीं आते, कभी कभी छोटी चीजों से भी बड़ी जंग जीती जा सकती है। वैसे आप इस पौधे के बारे में इतना कैसे जानती हैं? आपने पौधों के विषय में पढ़ाई की है क्या? जानकारी के लिए पढ़ना जरूरी है क्या जमाई बाबू? आसपास अच्छे से ध्यान रखो तो भी जानकारी मिल सकती है। सही कहा, और धन्यवाद इस पौधे के लिए, वरना मैं रात भर सो नहीं पाता और फिर सुबह तो सुबह आपके जाने से पहले मैं कुछ जानना चाहती हूँ। जमाई बाबू, आप मेरा बहुत मान सम्मान करते हैं, क्या आपके घर के सारे सदस्य मुझे वैसे ही मान सम्मान दे पाएंगे? क्या आपके घर के हर सदस्य को इस बात से आपत्ति नहीं होगी जमाई बाबू कि एक विधवा माँ अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल में रहेगी? क्या आपकी तरह बाकी सब मुझे भी घर का सदस्य मान पाएंगे? समधन जी को बोल देना कि अपना दिल मजबूत कर ले, ये सब समाज के ताने उन्हें ही तो सुनने पड़ेंगे ना। लेकिन बेटी के ससुराल से तोहफे कोई कैसे ले सकता है? कैसे बेशरम लोग होंगे मायके वाले जो बेटी के दिए हुए तोहफे लेंगे? सुन लो, इस घर में उस लड़की की माँ एक कदम भी नहीं रख सकती है कि हमने कह दिया आज। एक विधवा का जीवन दूसरों के बनाए हुए लकीरों में सिमटा हुआ रहता है। बहुत मुश्किल से संभाल के रखा है अपने आत्मसम्मान को, क्या वो भी छीन नहीं जाएगा मुझसे अगर मैं अपनी बेटी के साथ उसके ससुराल में रहने लगी तो? मेरे पास कुछ भी अच्छा नहीं है मेरी बोंदिता को देने के लिए, कुछ भी नहीं है। और अगर उसे अच्छा नहीं दे सकती तो फिर उसे बुरा सुनने को भी क्यों दूं मैं? मेरे वजह से उसे समाज के ताने सुनने पड़ेंगे, क्या इससे मुझे खुशी मिलेगी जमाई बाबू? जानती हूँ
मैं अपने भाई के सहारे हूँ, पर फिर भी यहाँ समाज की नजरें झुकी तो रहती है। पर मैं अगर मेरी बेटी के साथ उसके ससुराल में रहने लगी तो समाज की नजरें उठेगी और मेरी झुकेगी, और हर समय शर्म से आग झुका करके जीना पल पल मरने के बराबर नहीं होगा मेरे लिए। जमाई बाबू, आप बताइए। मेरी बोंदिता मुझसे बहुत प्यार करती है। वो कहती है वहाँ मिठाई, राजभोग, फल सब खाने को मिलेगा, लेकिन बिना सम्मान के राजभोग भी जहर नहीं होगा मेरे लिए। उतरेगा एक निवाला मेरे गले के नीचे से। बताइए जमाई बाबू। पर माँ, आप ही बताइए, बोंदिता को आपकी जरूरत नहीं होगी? बोंदिता को मेरी जरूरत थी, पर अब नहीं। अब आप हो उसके साथ, एक दीवार की तरह, एक छत की तरह। उस पे आने वाली हर मुसीबत को आपने अपने ऊपर ले लिया है। अब आप हो उसके साथ तो मुझे कोई चिंता नहीं है। जमाई बाबू, अब उसे उसके माँ की नहीं बल्कि आपके साथ की जरूरत है, आपके हाथ की जरूरत है, जिसे थामकर वो जीवन में आगे बढ़ पाए। आपसे विनती है जमाई बाबू, माँ देने के बजाय, कमजोर करने के बजाय उसे हिम्मत दीजिए, ताकि वो जिंदगी में आगे बढ़ पाए, उसे किसी सहारे की जरूरत ना हो। क्या आप नहीं कर सकते ये मेरी बोंदिता के लिए? अभी ये सिर्फ आपके हाथ में है जमाई बाबू। ये बड़ी वाली हंडी तेरी है और ये छोटी वाली बोंदिता की। गाड़ी से निकालना मत भूलना, और छोटी वाली मत ले जाना ससुराल, ठीक है? वो बोंदिता की है। पर हम दोनों के लिए अलग अलग जूरी क्यों? जितना कह रही हूँ उतना कर लेना, बड़ी वाली तेरी, ठीक है? अब आपने कपड़े रख लिया, मैं तय कर दूं। अब पैर चखेंगे। मैं लाई हूँ आपके लिए, जरा चख के देखिए, आपको पसंद है ना? हाथ में कांटा भी चुभा, गिर भी गई मैं एक बार, पर फिर भी लेके आई आपके लिए। दितंग, दितंग, दितंग। माँ का तो सामान रख दिया। पर तेरी माँ को ले जाने वाला कहाँ है तेरे जमींदार बाबू? चौपाल में लोग बोल रहे हैं जमाई बाबू तो सुबह ही गाड़ी लेके कहीं चले गए। क्या रे, कुछ बोले नहीं तुम्हारे पति देव? भाग गए क्या जमाई बाबू? हमारी बोंदिता को छोड़ने आए थे क्या? ओ काली माँ, अरे तेरे जमाई बाबू किधर चले गए? अब कहाँ ढूंढेंगे? इतने भालो मानुष थे वो। अब आप ही बोलिए दीदी, उन्हीं को कौन टाल सकता है? बेचारी बोंदिता हमारी। कहाँ चले गए जमाई बाबू? कहीं कल रात की बात से नाराज तो नहीं हो गए? पति बाबू मुझे छोड़कर ऐसे कैसे जा सकते हैं? For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.